हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाली डिलीवरी लिमिटेड इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 24 रुपए की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 6.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में अराउंड 5% की तेजी देखने को मिली है। एक महीने के अंदर 3%, 3 महीने में 15%, 6 महीने में 2.5% और 1 साल के अंदर इस स्टॉक में 27% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, परंतु 6 महीने से इस स्टॉक में निचले लेवल पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 705 रुपीज। 705 रुपीज के इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बना, ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। स्टॉक का नीचे का एक लोअर सर्किल लगता हुआ नजर आया 300 रुपीज। 300 रुपीज के इस स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा और यहीं से स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा। आज के दिन देखें तो इस स्टॉक में काफी बड़ी मात्रा में वॉल्यूम भी देखने को मिल रहेंगे, जहां पर स्टॉक में आज के दिन एक मोमेंटम देखने को मिल रहेगा। इस स्टॉक में देखें तो एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक का एक हाई है 400 रुपीज और स्टॉक का नीचे का एक लो है 300 रुपीज। ये इसके बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है अप डाउन। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 357 रुपीज, 357 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 425 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 400 रुपीज। 400 रुपीज जैसे स्टॉक ब्रेकआउट देता है, इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।